जैसे आपसे मुझे ऑफ स्पिन पता चले, इनसे मुझे बैटिंग पता चले। अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ सादिक मोहम्मद मौजूद हैं। ज़ाहिर है इनके रन्स 24,000 से ज़्यादा रन्स हैं फर्स्ट क्लास में, और सभी जानते हैं, कौन नहीं जानता है इनको, और मैंने भी बहुत कुछ इनसे सीखा। सवाल इनसे मेरा सादिक भाई से ही होगा आपके लिए, कि अगर बैट्समैन, किसी भी बैट्समैन की या बैटर की कोई एक क्वालिटी अगर मैं आपसे पूछूँ तो आप क्या कहेंगे उसके बारे में, जो उसमें होनी लाजिम है? एक अच्छे बैट्समैन की क्वालिटी ये होनी चाहिए कि वो इनिंग का आखिरी बॉल वो खेले। तो अगर आप किस तरीके से अपनी इनिंग को प्रमोट करते हैं आगे, वो आपके ऊपर बहुत अहम सवालिया निशान है। कि पांच बैट्समैन होते हैं और उन पांच बैट्समैनों को ही रन करने होते हैं, तभी मैच जीतेंगे। एट द एंड ऑफ द डे मैच इज वन ओनली बाय मेकिंग रन, और वो जो रन जो पांच बैट्समैन बना सकते हैं वो बॉलर नहीं बना सकते। तो सबसे अहम चीज़ है कि आप वी के अंदर से खेलें, नैरो वी, मिड ऑफ, मिड ऑन, सारे कवर, मिड विकेट, जितने भी कप्तान मौजूद हैं, अगर आपको रन नहीं मिल रहे फिर भी आप उसकी कोशिश करें कि आउट होने का नहीं है। दो दो बॉल अगर डॉट खेल लिए तो तीसरे पे शायद आपको चौका मिल जाए। बट की पेशेंस, पांच प्लेयर जो है वही मैच जिताते हैं। नहीं नहीं, सादिक भाई की जो बात है यही बात है। मेरे वालिद भी ज़ाहिर क्रिकेटर थे, सेम यही करते हैं कि इस दौर के लोग का जो सबसे मेन पॉइंट और मैसेज है कि आप इफ़ यू स्टे एट द विकेट रन्स विल फॉलो। अगर आप विकेट पे खड़े रहेंगे तो रन्स बनाने के अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहेगी आपकी, अगर आप जल्दबाजी में विकेट थ्रो कर देंगे तो आपका गेम और इनिंग ख़त्म हो जाएगी। यही बात है, और वो टाइमली प्रोग्रेस आप करते रहते हो, जितना आप स्टे करते हो तो चीज़ों को हैंडल करना शुरू कर देते हो, थोड़ा सा टाइम लगता है आपको एडजस्ट करने के लिए। वेरी गुड पॉइंट है जो सादिक भाई ने दिया है।